संत रामसर गांव में एक व्यक्ति खदान में डंपर के साथ दबने की सूचना पर हम वहां से रवाना हुए, घटनास्थल पर पहुंचे और तब से हम घटनास्थल पर आपदा कार्य जारी है। जी रामसर से बन्नालाल गुजर निवासी रामसर, गत दिनांक तकरीबन 5:37 पर हमारी गुजर माइनिंग एंड मिनरल्स के नाम से जो फर्म है जिस पे मजदूर कार्य करता था, वह मजदूर कार्य स्थल पर प्राकृतिक भूस्खलन के कारण मलबे के नीचे दब गया, जिसकी बचाव कार्य प्रशासन के नज़रअंदाज में बचाव कार्य जारी है। उम्मीद करते हैं कि अतिशीघ्र बचाव कार्य से उसको निकाला जा सके। भूस्खलन में क्या क्या गिरा अंदर? भूस्खलन में एक डंपर गिरा था, एक क्रेन गिरी थी, ऊपर रास्ते पे खड़े थे, वो रास्ता पूरा का पूरा नीचे गिर गया, जिसके अंदर एक हाइड्रो गिर गया और एक डंपर गिर गया और वो मजदूर जो था उनके आसपास बैठा था वो उसके साथ ही गिर गया। कितने समय पुरानी है खान? कल दिनांक खान कितने साल? खान मतलब ये गुजर माइनिंग एंड मिनरल्स की फर्म 2005 से चालू है। और ये खान कब से चालू है? खान 2005 से चालू है। खान का कार्य विगत 4 से 5 दिनों से बंद था। गहराई कितनी है इस खान की? गहराई लगभग 70 से 80 फीट है। जो नीचे गिरा हुआ आदमी है उसका नाम पता कुछ? वो नाथू सनोक नारायण गुजर निवासी देवलिया, उम्र लगभग 30 वर्ष। कितने वर्षों से काम कर रहा है? वो मेरे पास में लगभग विगत 4 वर्षों से काम कर रहा है। आपको क्या उम्मीद लग रही है उसकी अभी? हम ईश्वर से कामना करते हैं उसकी उम्र लंबी हो और प्रशासन के मिलने वालों के सभी सहयोगियों की तरफ से संपूर्ण मदद की जा रही है और एकजुट होकर हम उसको बाहर निकालने में लगे हुए हैं। आपको पूरी जानकारी कि वो हो सकता है या है? नहीं साहब, हम तो ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ निकले और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कल 6:30 से अभी तक हम हमारे कार्य की प्रगति पर लगे हुए हैं। थैंक यू जी। कल तकरीबन 7:15 के हमारे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि नसीराबाद अंतर्गत थाना क्षेत्र रामसर गांव में एक व्यक्ति खदान में डंपर के साथ दबने की सूचना पर हम वहां से रवाना हुए, घटनास्थल पर पहुंचे और तब से हम घटनास्थल पर आपदा कार्य जारी है। सर आपका नाम? राजेश कुमार हेड कांस्टेबल अजमेर ही कंपनी। कितने आदमी हैं सर? 11? 10, एक हेड कांस्टेबल, 9 कांस्टेबल, ड्राइवर, मैं गाड़ी।